सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्ध लोगों को सही ढंग से जीवन यापन हो पाए, परंतु वहीं जिला महाराजगंज दौरारा गांव में लौंगा देवी सहित 20 लोगों को पेंशन ना मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं रीना और ये है मेरा समुदाय। तो आपके यहाँ पेंशन के लिए कब सरसारी बा वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन ना दे प्रधान के यहाँ गई तो 500-600 रुपया मांगा था की कर कमाई दे। लड़की अलग ही बात है, एक ठो बिटिया बदल ठो बात है, लड़की उन्हें की जतन करती बार बार की। पेंशन ना मिलने से आपके क्या समस्या होता? हाँ बहुत समस्या बना, दवा हो तो ना दारू हो तो अपन हर बार ये ठनक के भार चूल्हा बाज के जिया था। प्रधान के यहाँ गई तो 500-600 रुपया मांगा था तो पा कर। अगर आपकी पेंशन मिलत तो क्या फायदा होता? फायदा यह होता कि अपन दवा दारू करवती बेटी बेटा अलग बिल के बाट है। आपके दोनों पेंशन नहीं मिला, वृद्धा और विधवा दोनों? एक को पेंशन नहीं मिला, ना वृद्धा मिला ना विधवा मिला। तो आप क्या चाहल जाता? हम यह चाहते हैं कि माने हमें पेंशन मिले, हमारा दवा दारू चले, कपड़ा लत्ता चले, हमारी खेती बाड़ी बा ना। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं नहीं, ना राशन कार्ड मिला ला बहनी, ना वृद्धा पेंशन मिला ना विधवा मिला ला, कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन के बारे क्या समस्या बा आपके यहाँ? ए बहनी मिले के चाहे, अरे बहनी दुख उठाए पड़ता, मिलत चार पैसा लगा रहा था तो तुहु चिन्हती हो हम मन के। आप पेंशन पाने खातिर कुछ प्रयास कैल गए? हाँ हाँ, हमन के बड़ा दुख बा भाई, हमन के मिले के चाहे, राशन कार्ड ना आई बा, वृद्धा पेंशन ना आई बा, हमरे ना आई पाओ थी, दौड़ दौड़ जाए प्रधान के लगे गोड़ धरल जाए। मैं चाहती हूँ कि वृद्धा पेंशन इन सभी लोगों को मिले ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। नौतनवा ब्लॉक वीडियो का नंबर 9454464924 पर कॉल करके दवा बनाए और हमारी मदद करें। मैं रीना, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।